पहला स्पॉट जो मैं चूज कर रहा हूँ है रैडिको खेतान। अगर आप कंपनी के डायनामिक्स देखें तो तीन बॉटलिंग यूनिट, तीन डिस्टिलरी यूनिट्स है, 33 बॉटलिंग यूनिट्स है, कैपेसिटी 150 मिलियन लीटर्स की है। क्लियरली आई थिंक जो प्रीमियम और प्रेस्टीज सेगमेंट है, एमएफएल सेगमेंट में जो रैडिको खेतान ऑपरेट करता है, उसका शेयर आई थिंक 22% हो गया है। और क्लियरली आई थिंक जो रेगुलर शेयर है जिसके इबिटा मार्जिन कम होते हैं, वहां पे कंपनी का जो एक फोकस है वो कम होते जा रहा है, बहुत एविडेंट है, जैसे तमिलनाडु के सेल से है। और क्लियरली आप देखेंगे तो आई थिंक दो या तीन चीज डिफरेंशिएट करती है कंपनी को। एक सब्सटेंशियल प्राइस हाइक स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिए थे नहीं थे पिछले एक से दो सालों में, हमें लगता है अगले कुछ क्वार्टर्स में सब्सटेंशियल प्राइस हाइक आ सकते हैं जिसकी वजह से रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे। इनके जो वॉल्यूम बढ़े हैं वो 26% बढ़े हैं इन द लास्ट 7 ईयर्स, लास्ट क्वार्टर में 8% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी सब्सटेंशियल हो सकती है, और इसका मुख्य कारण यही है कि इसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटेटर यूनाइटेड स्पिरिट्स आई थिंक लिटिल फोकस मोर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन वॉल्यूम ग्रोथ। इबिटा मार्जिन की हम बात करें तो बोथ ईएनए प्राइसेस प्लस आई थिंक जो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा है 16% ईयर ऑन ईयर, इथेनॉल प्राइसेस बीइंग लो वो एड करेगा मार्जिन्स को, और हमें लगता है मार्जिन्स आराम से 13-13.5% के आसपास FY17 में आने चाहिए। क्लियरली बॉटम लाइन पे जो फर्क पड़ेगा और ईपीएस फर्क पड़ेगा वो सब्सटेंशियल होगा। ₹5 की जो कंपनी ईपीएस पोस्ट करती है ये साल, FY17 में मिनिमम ₹7 का ईपीएस आ सकता है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के तौर पे 1.3 times EV2 सेल्स कंपेयर टू 4.3 जो USL कमांड करता है वो काफी डिफरेंशियल है, और मुझे लगता है आई थिंक देयर इज सब्सटेंशियल पोटेंशियल इन द कंपनी। तो आई थिंक स्टॉक को देखा जा सकता है एक साल के नजरिए से विद अ टारगेट ऑफ 156।